Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग National Institute of Open Schooling का secondary course psychology का module 3 human development lesson 9 nature and determinants of development पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. Hello dear learners of NIOS. Today we are going to study chapter 9. Chapter topic name is Nature and Determinants of Development. And here is the introductory part of this chapter. Let's start to study this. One of the most important features of all living beings is change. The changes are most striking when we see the transition in human life spanning from conception to death. The journey from an unborn baby to an adult and then on to an old person is very fascinating. Even a casual observation of the human lives around you will make it clear that several changes happen each day in our bodies and psychological functioning. Some changes are noticeable while some cannot be immediately or clearly observed. Some of these changes are determined more by hereditary or genetic factors while some depend more on environmental and cultural factors. Different cultures hold different goals for development and use different strategies to bring up children. In order to help individuals develop in the best way possible, it is important to understand the nature and process of development throughout the lifespan. चलिए हम लोग इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जितने भी लिविंग बींग्स है उनका है कि उनमें एंटायर लाइफ जो उनका होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहता है. ये जो चेंजेस है एक मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स है ह्यूमन लाइफ का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसे कॉन्सेप्शन से डेथ की ओर बढ़ता है धीरे धीरे करके. ये जो जर्नी है कि जो अनबॉर्न बेबी जो अपने माँ के गर्भ में रहता है उसके बाद वो एडल्ट में चेंज होता है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम स्पेंड होने के साथ वो एक वृद्ध व्यक्ति बन जाता है, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है. हम लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. द हिंदी मीनिंग ऑफ फैसिनेटिंग इज आश्चर्यचकित. एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन हम लोग ह्यूमन लाइफ का देखेंगे चारों ओर, तो इससे आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्रतिदिन हमारे बॉडी में, और हम लोगों के बॉडी में साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग भी होते हैं. कुछ जो चेंजेस होते हैं जिसको हम लोग इजीली नोटिस कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में जिसे हम लोग इमिडिएटली क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. ये जो चेंजेस है वो डिटरमाइन किए जाते हैं हेरेडिट्री या फिर जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर. हेरेडिट्री ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है, विच मीन्स कि आपका जो भी इसमें आपको हम लोग देखेंगे जो आपका कैरेक्टर्स है वो आपके पेरेंट्स से आपको मिलेगा, या फिर जो जेनेटिक फैक्टर्स है, ठीक है. और कुछ जो डिपेंड करता है वो इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. जो डिफरेंट कल्चर्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स को एक साथ होल्ड करते हैं ताकि ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हो सके एक अच्छे स्ट्रैटेजीज के साथ, जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा होने में हेल्प मिल सके. इंडिविजुअल्स को हेल्प करने के लिए हम लोग को जो बेस्ट वे पॉसिबल है डेवलपमेंट के लिए वो क्या है कि हम लोग पहले समझे नेचर को और डेवलपमेंट के प्रोसेस को पूरे ह्यूमन बींग्स के लाइफ स्पैन तक. Here is section 9.1, Nature of Development. चलिए हम लोग विकास की प्रकृति को जानते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है, उसका नेचर क्या है. In this section, we will try to understand what is meant by the term development, distinguish it from other related concepts and identify its main characteristics. इस section में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो development term है इसका मतलब क्या है, और इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसको इससे डिस्टिंग्विश करने की भी कोशिश करेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट.
डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। The term development is generally used to refer to the dynamic process by which an individual grows and changes throughout its lifespan. It is often thought of as the process of qualitative change taking place from conception to death. In this way, development is a broad term and deals with all areas including physical, motor cognitive, psychological, social, emotional and personality. It should be noted that developments in all these areas are interrelated. For example, a 13-year-old girl undergoes physical and biological changes in her body, and such changes are in turn related to her mental, social and emotional development. ये जो डेवलपमेंट, चलिए हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये जो टर्म है डेवलपमेंट का, वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं डायनेमिक प्रोसेस में, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में होता है, उसके ग्रोथ में होता है और उसके पूरे लाइफ स्पैन में ये चेंजेस टेक प्लेस करता है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है क्वालिटी ऑफ चेंज का, वो कॉन्सेप्शन से डेथ तक जाता है। मीन्स एक छोटे से बच्चे से उसकी मृत्यु तक जाता है। जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, वो अभी माँ के घर में, वहाँ से उसकी मृत्यु तक, वो कैसे जन्म लेगा, वो कैसे बड़ा होगा, उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके बाद वो किस प्रकार से वृद्ध होगा और उसकी अंततः मृत्यु हो जाएगी। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, जो लोग जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है, ठीक है। इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म है, जो कि फिजिकल, मोटर कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल एंड पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। और ये भी नोट करने लायक है कि जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए, एक 13 वर्षीय लड़की, उसके फिजिकल और बायोलॉजिकल उसमें चेंजेस आता है उसके बॉडी में, और ये जो चेंजेस है वो रिलेटेड होता है उसके मेंटल, उसके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट से। द नेक्स्ट पैराग्राफ टेल्स अस लाइफ बिगिंस एट कॉन्सेप्शन व्हेन मदर्स ओव्यूम फर्टिलाइज्ड बाय द फादर स्पर्म एंड अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड फ्रॉम दैट पॉइंट टिल डेथ एंड इंडिविजुअल कीप्स ऑन चेंजिंग such changes are not random but orderly and generally follow a pattern. It may be noted that the developmental changes are not always incremental or evolutionary. They may also involve a decline in the functional called involution. A child loses milk teeth in the process of development while an old person may show decay in memory and physical functioning. Development therefore is best viewed as a gain-loss relationship in which newer and different kinds of changes take place. Older behavior patterns may lose their salience while new ones may emerge. चलिए हम लोग इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। जो लाइफ स्टार्ट होता है किसी भी ह्यूमन बींग्स का, वो कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होता है। मीन्स वो जब माँ के गर्भ में होता है, जब ओव्यूम फर्टिलाइज करता है फादर्स के स्पर्म के द्वारा और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, उस पॉइंट से लेकर मीन्स उसके जन्म की प्रक्रिया से लेकर के उसकी मृत्यु तक उस इंडिविजुअल की, वो प्रतिदिन उसमें चेंजेस होते रहता है उस इंडिविजुअल में। ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो रैंडम नहीं होते बल्कि ऑर्डरली होते, मीन्स एक प्रोसेस के द्वारा, एक सीरीज के द्वारा होता है और ये एक जनरली एक पैटर्न को फॉलो करता है। मीन्स जब बच्चा ओव्यूम में है, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर उसमें 9 महीने में पूरा जो बच्चा होता है, मीन्स पहली बार जब स्पर्म मीट करता है ओव्यूम से तो सिंगल सेल होता है, फिर वही सिंगल सेल खुद को डिवाइड करके धीरे धीरे उसमें चेंजेस होता है, फिर 9 मंथ के बाद जब वो बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो उसके बाद भी उसके शरीर में पूरा चेंजेस होता है मृत्यु तक, ठीक है। और ये पैटर्न है, वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसमें कोई भी रैंडम चेंजेस नहीं आ रहा है, बट दे फॉलो द पैटर्न। और ये जो है डेवलपमेंटल चेंजेस, वो इंक्रीमेंटल
या फिर इवोल्यूशनरी हमेशा नहीं होता है, इसमें डिक्लाइन भी होता है फंक्शन का, जिसको हम लोग इनवॉल्यूशन बोलते हैं। एक जो बच्चा होता है वो अपने दूध के दांत को खो देता है, मीन्स जब वो 8 से 10 साल के बीच में आता है तो उसकी धीरे धीरे जो दूध की दांत होती है वो लूज होने लगती है, मीन्स गिरने लगती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि उसके मिल्क टीथ गिर जाते हैं? क्योंकि एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो बच्चा डेवलप कर रहा है। और वहीं पे हम लोग एक वृद्ध आदमी को देखे तो उनका जो मेमोरी पावर होता है वो डिके होने लगता है, मीन्स उनकी जो यादें हैं वो धुंधली होने लगती है, और भी कई सारे फिजिकल फंक्शनिंग है जो उस वृद्ध आदमी में हम लोग अगर देखते हैं तो वो उनको प्रभावित करता है। टाइम के अनुसार वो सब फेड अवे हो जाता है, मीन्स जो एक जो इंसान है वो जिम जा रहा है, सपोज करना है जिम जा रहा है, खूब कसरत कर रहा है और वो हर एक हार्डवर्क को करने में एबल है, अगर हम वही काम एक वृद्ध से करवाए तो वो उनके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा, वो सेम काम एडल्ट के जैसा नहीं कर सकते बिकॉज वो डेवलप कर चुके हैं और उनका जो मेमोरी पावर है या फिर जो उनकी कैपेसिटी है, उनकी जो एनर्जी है, वो उनको बिल्कुल भी नहीं देगा परमिशन कि आप जाइए जिम जाइए, आप वेट भारी उठा सकते हैं। वो वृद्ध से तो वो काम होगा ही नहीं जो एक एडल्ट करता है, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट है वो एक बेस्ट व्यूड गेन लॉस रिलेशनशिप है, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, या फिर अगर डेवलपमेंट कर रहे तो उसमें कुछ फ़ायदा होता है या उसमें नुकसान भी होता है, कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं और उसमें बहुत सारे एक बॉडी में चेंजेस भी होते हैं, जो ओल्डर बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं वो लूज भी हो सकते हैं और उसी चीज़ में हम लोग न्यू वंस को ऐड भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय द जॉइंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। Nature refers to the hereditary contribution a child receives from parents at the time of conception. Genetics determines several aspects of a person's physical structure and functioning as well as some psychological characteristics to a certain extent. Nurture refers to the influences of the complex physical and social ecology in which we develop and grow. Various aspects of the child's ecology, example, physical facilities, social institutions and rituals and school, influence the developmental outcomes in important ways. तो ये जो developed है, development है, sorry, ये जो development है, उसमें ये ज्वाइंट इन्फ्लुएंसेस होता है मीन्स नेचर और नर्चर का, ठीक है। एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में नेचर जो है वो रेफर करता है हेरिडिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन का एक बच्चे में, जो कि वो रिसीव करते हैं पेरेंट्स से खुद में। कब करते हैं वो? जब वो अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, उनका जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, कॉन्सेप्शन के टाइम में। हेरिडिटरी के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये वो कैरेक्टरिस्टिक है, ये वो क्वालिटी है जो कि बच्चे अपने पेरेंट्स से पाते हैं। जो जेनेटिक्स है वो डिटरमाइन करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक पर्सन के फिजिकल स्ट्रक्चर में, कि ये जो बच्चा है वो कैसा दिखेगा और वो कैसा फंक्शन करने वाला है, और यहाँ तक कि कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो भी कुछ हद तक उन्हें अपने पेरेंट्स से हेरिडिटरी में मीन्स एज अ गिफ्ट उनको मिलता है। ये जो नर्चर है उसमें क्या है कि फिजिकल और सोशल इकोलॉजी एक साथ डेवलप करते हैं और ग्रो करते हैं। बहुत सारे पहलू है एक चाइल्ड इकोलॉजी के, एग्जांपल के लिए फिजिकल फैसिलिटीज, सोशल इंस्टीट्यूशंस, उनके रिचुअल्स, उनके स्कूल, ये सब चीज़ें मिलकर उस बच्चे को प्रभावित करते हैं और उनका जिस प्रकार से उस बच्चे का विकास होता है वो इसका एक परिणाम होता है कि किस प्रकार से बच्चे इन सब इन्वायरमेंटल फैक्टर से गुजर करके किस प्रकार वो बच्चे में डेवलपमेंट हुई है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी की डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट्स। हम लोग की डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। द टर्म डेवलपमेंट इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, बट दिस टर्म्स नीड टू बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड। ध्यान से सुनिएगा आप इस चीज़ को, जो डेवलपमेंट टर्म है वो इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, मीन्स ग्रोथ भी और मैच्योरेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन
देखिए ये जो दोनों चीजें हैं इसको ध्यान से पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पहले हम लोग सुनेंगे तो ग्रोथ और मैच्योरेशन सेम लगेगा, बट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन सेम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस है, हम लोग इसको किस बेसिस पे ग्रोथ को मैच्योरेशन से डिस्टिंगाइज कर रहे हैं, मीन्स इसको इसमें से अलग कर रहे हैं। ग्रोथ generally refers to the quantitative additions or changes in the organic structure. For instance, as we become older, the body size, height, weight, proportion of parts of our body change in measurable ways. Also, the vocabulary increases. Development, on the other hand, is a broader term which often includes growth but is used more to refer to functional and qualitative changes in cognitive ability, perceptual ability, personality and emotional development and so on. तो चलिए हम लोग ग्रोथ को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो ग्रोथ है वे क्वांटिटेटिव एडिशन से, ये एक ऐसा चेंज है जो कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में होता है। एग्जांपल के लिए जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं, हमारा जो बॉडी साइज है, हमारा जो हाइट है, वेट है, हमारा जो प्रोपोर्शन है बॉडी का, वो एक मेजरेबल वेज में बदलते रहता है। ऑल्सो हम लोग जब देखेंगे, हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों ने पहले तो ए बी सी डी पढ़ना स्टार्ट किया, इसके बाद जैसे जैसे सुनते गए बड़े होते गए तो हमारा जो वोकैबुलरी है वो भी इंक्रीज होते गया, मीन्स हम लोगों ने कई बातों को सीख लिया और हमारा जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज कर गया। वहीं पे हम लोग अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें क्या क्या सम्मिलित है, ग्रोथ। लेकिन ये जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कैसे यूज किया गया है, फंक्शनल एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, मीन्स इसमें फंक्शनल और क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहा है कॉग्निटिव एबिलिटी में, परसेप्चुअल एबिलिटी है, पर्सनैलिटी और इमोशनल डेवलपमेंट, और भी इस प्रकार से कई चीज़ें हैं। चलिए ये तो बात हुई हमारी ग्रोथ की, अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्रोथ से मैच्योरेशन कैसे अलग है। Maturation is a term that refers to the natural unfolding of changes with increasing age. Example, hormonal changes as the individual reaches puberty. An example of this can be seen in breast development, which is influenced by release of estrogen when a girl reaches adolescence. Maturation refers to the changes which are primarily biological in nature and occur due to our genetic program. Our biological structure follows a predetermined course of changes with time. This can be seen in the development of teeth during childhood. Changes in body proportion with age provide an example of such predetermined universal trends. The size of the head is roughly half of the whole body at birth, but the proportion keeps decreasing until adulthood when it is less than 1/4 of the whole body. Therefore, maturational changes in our body are primarily due to the aging process rather than learning or other factors such as illness or injury. तो चलिए अब हम लोग मैच्योरेशन को एक्सप्लेन करके समझने का प्रयास करते हैं कि ये मैच्योरेशन क्या चीज़ है। मैच्योरेशन एक ऐसा टर्म है जो कि नेचुरल अनफोल्डिंग से प्रभावित है, और ये जो चेंजेस है वो हमारे बढ़ते एज के कारण हमारे बॉडी में टेक प्लेस करता है। हार्मोनल चेंजेस, जब कोई बच्चा है वो प्यूबर्टी तक पहुँच जाता है तो उस इंडिविजुअल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। चलिए हम लोग हार्मोनल चेंजेस के एक एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। जो हार्मोनल चेंजेस है, जैसे कि कोई लड़की है वो एडोलेसेंस तक पहुंच गई है तो उसने ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है जिससे कि एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज होता है। ये जो मैच्योरेशन है वो क्या कर रहा है, ये चेंज ऐसा चेंज कर रहा है जो कि प्राइमरली बायोलॉजिकल इन नेचर, मीन्स कैसा है, नेचर में बायोलॉजिकल है। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू आवर जेनेटिक प्रोग्राम, हमारे बॉडी में ये जो जेनेटिक प्रोग्राम है वो पहले से फिक्स है, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। हमारा जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ चेंजेस, टाइम के अकॉर्डिंग प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ चेंजेस को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। हम लोग देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है एक बच्चे का, तो वो उसके टीथ डेवलपमेंट ऑफ टीथ हम लोग देखेंगे एक बच्चे का, ठीक है। तो वो किस प्रकार से डेवलप कर रहा है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो
उसके मुंह में दांत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके मिल्क टीथ निकलते हैं, दूध की दांत जिसको बोला जाता है और जिसको टेम्प्ररी टीथ भी बोला जाता है, वो निकलता है। उसके बाद फिर बच्चा जैसे जैसे एज होते जाता है उसका, वो ओल्डर होते जाता है, वैसे वैसे वो जो मिल्क टीथ है वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पर टेम्प्ररी टीथ जब लूज हो जाता है तो वहाँ पर एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ आता है। मीन्स ये उस बच्चे का क्या है, उस इंडिविजुअल का क्या है, डेवलपमेंट ऑफ टीथ, ठीक है, उसके चाइल्डहुड के दौरान में हो जाता है ये चीज़। अब हम लोग देखेंगे बॉडी प्रोपोर्शन में चेंजेस, जो कि एक प्रीडिटरमाइंड यूनिवर्सल ट्रेंड है। ये जो साइज है हेड का, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके होल बॉडी का हाफ साइज किसका होता है, हेड का होता है, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करते जाते हैं जब तक वो बच्चा एडल्टहुड तक ना पहुँचे। मीन्स कैसे, जब उसका जो होल बॉडी है उसका 1/4 पार्ट ही सिर बचता है। देयरफॉर ये जो मैच्योरेशनल चेंजेस है हमारे बॉडी में जो टेक्स प्लेस करता है वो किसके कारण होता है, एजिंग प्रोसेस के द्वारा। जैसे जैसे बच्चे का एज होते जाता है, वो बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे उसके बॉडी में वो चेंज होते जाता है। एंड ना कि ये किस पे डिपेंड करता है, लर्निंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है या फिर कोई अदर फैक्टर जैसे कि बच्चा बीमार हो गया, उसको कोई चोट लगी, इस पे ना डिपेंड करके उसके मैच्योरेशन एजिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज इट मस्ट बी नोटेड दैट चेंजेस इन बिहेवियर ऑल्सो अकर ड्यू टू लर्निंग। लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ पर्सन्स इंट्रैक्शन विद द एनवायरमेंट। Maturation provides the raw material and sets the stage for learning to occur. Taking the case of learning to read, the child needs to be biologically ready. The eyes need to develop proper focusing ability before a child can learn to read. Therefore, maturation and learning jointly brings about changes in a person's behavior. तो ये नोट भी करने की आवश्यकता है कि ये जो चेंजेस है बिहेवियर में, किसी भी बंदे के या किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है वो लर्निंग के कारण भी आता है। मीन्स जब वो इंडिविजुअल कुछ लर्न करता है, कुछ चीज़ सीखता है, तो उसके कारण भी उसके बिहेवियर में चेंज आता है। ये जो लर्निंग है वो उसके में टेक्स प्लेस कब करता है, जब वो पर्सन इंट्रैक्ट करता है एनवायरमेंट के साथ। मैच्योरेशन है वो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल का सेट्स, ताकि उस स्टेज पे वो जो इंडिविजुअल है वो कुछ सीख सके, वो कुछ लर्न कर सके। और हम लोग अगर एक केस देखते हैं लर्निंग टू रीड का, जिसमें जो बच्चा है उसको बायोलॉजिकली रेडी होना पड़ता है, जो बच्चे की जो आइज है वो डेवलप होता है, वो प्रॉपर फोकस करता है, उसकी एबिलिटी होती है कि वो जो बच्चा है वो वर्ड्स पे, वो सेंटेंसेस पे फोकस करे और सीखे कि वो क्या लिखा हुआ है, उसको हम लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है। हम लोग डायरेक्टली तो इतनी बड़ी बड़ी सेंटेंसेस को नहीं पढ़ना सीखे, हम लोगों ने पहले नर्सरी से स्टार्ट किया, प्री नर्सरी से स्टार्ट किया। हम लोग जब फर्स्ट टाइम स्कूल गए उसके बाद धीरे धीरे करके जब हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया तो हम लोगों ने पहले लेटर पहचाना कि आखिर लिखा क्या है, कौन सा ए है, बी है, या फिर हम लोग कौन से नंबर से हम लोग पढ़ रहे हैं, 1, 2, इस प्रकार से पहले सीखा। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग इवन टफ, आज हम लोग क्या करें, टफ सेंटेंसेस को भी आराम से पढ़ ले। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज पे फोकस करा, हम लोगों ने उस चीज को सीखा। दैट्स व्हाई टुडे वी आर एबल टू रीड इवन हार्ड सेंटेंसेस। देयरफॉर ये जो मैच्योरेशन है उसमें क्या है कि जो पर्सन का जो बिहेवियर वो लर्निंग पे भी डिपेंड करता है। मैच्योर तो हो गया और ये जो लर्निंग है वो ज्वाइंटली मीन्स एक साथ मिलकर किसी भी पर्सन के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। The next paragraph is about evolution. Evolution is a term that refers to a species' specific changes. Evolutionary changes happen very gradually and are passed on from one generation to the other so that the species is better equipped for survival. The evolution from apes to human beings took place over a period of about 14 million years. Changes that occur at the level of species are called phylogenetic, and those that occur at the level of individual are called ontogenetic. The term evolution is also used to describe the incremental changes that takes place in the course of development. Yes, हम लोग अब evolution को क्या करेंगे, explain करेंगे। जो evolution है वो एक biological term है जो कि एक species के specific changes को बताता है।
ये जो इवोल्यूशनरी चेंजेस है वो कब होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है सर्वाइवल के लिए। हम लोग आज जिस प्रकार से दिखते हैं, 14 मिलियन ईयर्स पहले हम लोग ऐसा नहीं दिखते थे। हम लोग उस टाइम कैसे रिजेम्बलेंस देते थे, कैसे दिखते थे, एप्स की तरह दिखते थे। उस टाइम जब हम लोग एप्स की तरह दिखते थे उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ, मीन्स ग्रेजुअली हम लोग ग्रोथ करते गए, हम लोगों का इवोल्यूशन होते गया ग्रेजुअली, ठीक है। उसके बाद हम लोग एप से धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट होते गए और इस चीज़ को होने में कितने वर्ष लग गए, 14 मिलियन ईयर्स। ये जो चेंजेस है वो स्पेसिस के स्पेसिस में होता है दो लेवल पे, ठीक है। फाइलोजेनेटिक जो कि इंडिविजुअल स्पेसिस में होता है उसको हम लोग बोलेंगे फाइलोजेनेटिक, और जो कि इंडिविजुअल में होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन्टोजेनेटिक। लेट सी द डिफरेंस बिटवीन फाइलोजेनेटिक एंड ऑन्टोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक जो चेंजेस है वो स्पेसिस के लेवल में होता है एंड जो ऑन्टोजेनेटिक चेंजेस है वो किस में होता है, एक इंडिविजुअल में होता है। ये जो टर्म इवोल्यूशन है उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए इंक्रीमेंटल चेंजेस को जो कि डेवलपमेंट के कोर्स के दौरान किसी भी ह्यूमंस में होता है। आज हम लोग जिस प्रकार से दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज से 500 हज़ार वर्षों के बाद भी ऐसे ही दिखेंगे, वहाँ पे भी हमारा इवोल्यूशन होगा, वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। मीन्स ये जो इवोल्यूशन है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा होते रहेगा। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट कवरअप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।